पटना से बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश को रोहिणी का जवाब। बालिका गृहकांड भूल गए हैं, ऐसा रोहिणी ने कहा है। रेपिस्ट और भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं सीएम। सीएम ने लालू राबड़ी पर सरकार पर घेरा था। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जवाब दिया है। नीतीश ने सोमवार को कहा था 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था। रोहिणी ने कहा है कि नीतीश जी मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड भूल गए क्या? वो रेपिस्ट और भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। रोहिणी ने सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। सम्राट ने तेजस्वी पर कहा था कि वो पानी पिलाकर डिप्टी सीएम बन गए। रोहिणी ने कहा कि वो क्या करता था सबको पता है, फेकू है। रोहिणी ने ये भी कहा कि जितनी ताकत लगाना है लगा लो, चुनाव हम जीतेंगे। ईडी सीबीआई जिसकी ताकत लगानी है लगा लो। बीजेपी कह रही है कि लालू राबड़ी राज में औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके जमाने में हुआ था वो अपना कार्यकाल का याद दिलाए ना। दीदी अश्वनी चौबे लड़ाई चल रहा है। दीदी बोल रहे हैं, दीदी क्या करते थे? फर्जी डिग्री वाले ही क्या करते थे? कितना केस हुआ है? कौन है, क्या बोलेगा? सब फेकू सब है। पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को लालू परिवार को घेरना पड़ा। सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी जी पानी जो पिलाते थे बस वही काम किया है। अश्वनी चौबे कुछ बोलेंगे दीदी? वो नाराज है पार्टी की गतिविधियों से। अश्वनी चौबे अंकल को हम प्रणाम करते, उनसे आशीर्वाद मांगते कि बेटी को जिताइए, आइए मेरे प्रचार में।